कहानी की शुरुआत आज सोला लेक नाम के एक डिजर्ट से होती है, जहाँ पर कोई भी तालाब नहीं था। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो उस जगह पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई तालाब है। वो अपनी गाड़ी से उस जगह पर जा रहे होते हैं और दोनों काफी एक्साइटेड भी होते हैं। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम वहाँ पर पहुँच कर बहुत इंजॉय करेंगे। इस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि कल सुबह तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तभी उसके बॉयफ्रेंड को उसके गाड़ी के आगे एक बड़ा सा आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो गाड़ी की ब्रेक लगाता है। वो लोग उस आदमी को देखकर डर जाती हैं, क्योंकि उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। फिर जब वो उससे पूछने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो तभी वो आदमी उन पर अटैक कर देता है और उनका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो अगले दिन वहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। इनका नाम एलेक्स और ब्रायन होता है, और एक लड़की स्टेफनी भी थी जो कि ब्रायन की दोस्त होती है। यहाँ स्टेफनी का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए अब भी वो डिप्रेशन में होती है और उसे हर वक्त उसके हेलुसिनेशन भी आ रहे थे, इसलिए वो उसे भुलाने के लिए ड्रग्स लिया करती थी। फिर ब्रायन एलेक्स से पूछता है कि हम अभी किस जगह पर पहुंचे हैं। ये सुनकर एलेक्स अपना मैप खोलकर देखने लगता है। तभी स्टेफनी उससे कहती है कि अब तो जीपीएस का टाइम है, तो तुम मैप पर क्यों देख रहे हो। इस पर एलेक्स उसे बताता है कि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है और उससे फोन से कोई मतलब नहीं है। कुछ देर बाद ये सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि ये लेक तो पूरी तरह सूख चुकी है। ब्रायन ये देखकर काफी निराश हो जाता है। ये देखकर एलेक्स उसे संभालता है। दरअसल स्टेफनी और एलेक्स में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो ब्रायन के म्यूचुअल फ्रेंड थे, यानी कि वो एक दूसरे को ब्रायन के जरिए ही जानते थे। तभी एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो इस पर स्टेफनी बताती है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने आई हूँ। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अपने एक्स को भुलाने के लिए यहाँ आई है। इससे स्टेफनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी ब्रायन उनके बीच में आकर उन्हें शांत कराता है। फिर ब्रायन उनसे कहता है कि क्यों ना हम आगे चले और वहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करें, ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करके सबको दिखा सकें। पर स्टेफनी उससे कहती है कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो कार में ही बैठकर ड्रग्स लेगी और वहीं एंजॉय करेगी। ये सुनकर एलेक्स और ब्रायन उसे कार में छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, और ये दोनों ही यहाँ पर आकर काफी खुश होते हैं। इधर स्टेफनी जब इस कार में अकेली होती है, तो तभी वो दूर खड़े एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में तलवार होती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है, पर उसे लगता है कि वो शायद हेलुसिनेट कर रही है, इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तभी वो हेलुसिनेट करती है, जहाँ पर वो अपने एक्स से बातें कर रही होती है। इधर एलेक्स और ब्रायन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के सीन को कैप्चर करने लगते हैं। वो काफी मजे में होते हैं। तभी स्टेफनी ब्रायन को मैसेज करती है कि वो लोग जल्दी वहाँ से चले आएं। ये देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं। इसके बाद ये सभी इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। फिर ब्रायन गाड़ी को ड्राइव करता है, तभी एलेक्स उसे छेड़ने लगता है। वो उससे कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा रोमांटिक हो जाएं। इस पर ब्रायन उससे कहता है कि पीछे स्टेफनी सो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तभी ब्रायन को रास्ते में एक कटा हुआ सर दिखता है, जिससे वो जोर से ब्रेक मारता है। इससे स्टेफनी भी उठ जाती है। ये देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने जोर से ब्रेक क्यों मारा। इस पर वो उन कटे हुए सर की तरफ इशारा करता है। ये देखकर स्टेफनी गाड़ी से उतरकर उन कटे हुए सर के पास जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन्हें किसने मारा होगा। एलेक्स और ब्रायन ये देखकर काफी डरे हुए होते हैं। वो स्टेफनी को उनसे दूर हटने के लिए कहते हैं। ये सभी सोचने लगते हैं कि जब इनके सर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इनकी बॉडी कहाँ पर गई। तभी स्टेफनी पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उन्हें यहाँ पर दो कटे हुए सर मिले हैं। ये सुनकर पुलिस उनसे उनकी लोकेशन पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि वो जगह पूरा खुला रेगिस्तान था और यहाँ पर उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। तभी अचानक उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसके हाथ में तलवार थी। उसे सामने देखकर ये सभी काफी डर जाते हैं। फिर एलेक्स उससे पूछता है कि वो कौन है और उनसे क्या चाहता है, लेकिन वो आदमी खड़ा होकर बस उसे घूर रहा होता है। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर जब एलेक्स उससे पूछता है कि क्या इन दोनों को तुम्ही ने मारा है, तो इस पर वो आदमी भड़क जाता है। वो अपनी तलवार से उन पर हमला कर देता है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ब्रायन उसके हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो आदमी उसका गला काट कर उसे मार डालता है। ये देखकर एलेक्स और स्टेफनी वहां से भागने लगते हैं। तभी वो किलर उनकी वैन लेकर उनका पीछा करने लगता है। वो उन दोनों पर वैन चढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच जाती हैं, जिससे वो किलर इन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है।
एलेक्स और स्टेफनी ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उस किलर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इसके बाद जब ये कुछ दूर आगे जाते हैं तो तभी इन्हें वहाँ पर एक कैंपर वैन दिखाई देती है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई मदद मिल सकती है, इसीलिए वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। फिर वो वहाँ पहुंचकर आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो उस वैन के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कई सारे बुचरिंग के सामान दिखाई देते हैं, साथ ही वहाँ पर उन्हें इंसानों का मांस भी मिलता है, जिससे अब इन्हें पता चलता है कि वो किलर यहीं पर रहता है। इसके बाद ये सभी उस जगह पर छानबीन करते हैं लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी मदद का सामान नहीं मिलता। तभी एलेक्स देखता है कि वो किलर ठीक उनके बाहर खड़ा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो स्टेफनी को ये बात बताता है, पर स्टेफनी को उसमें अपना एक्स दिखने लगता है। वो हेलुसिनेट करने लगती है, इसीलिए वो एलेक्स की बातों को नहीं सुन पाती। एलेक्स उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगा। ये सुनकर स्टेफनी उससे कहती है कि जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जब वो किलर कैंपर वैन का दरवाजा खोलता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर स्टेफनी को पकड़ लेता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर स्टेफनी उससे कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, तो वो उसे जान से मार डाले। उसका ये हौसला देखकर वो किलर उसे वहाँ से जाने देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब स्टेफनी और एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी स्टेफनी उससे कहती है कि काश हमारे पास फोन होता तो हम पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला सकते थे। इस पर एलेक्स उससे कहता है कि उसने गाड़ी में ही अपना फोन छोड़ दिया था ताकि वो यहाँ के ट्रिप को अच्छी तरह एंजॉय कर पाए। तभी एलेक्स को याद आता है कि ब्रायन ने अपना फोन अपने जेब में रखा था, यानी कि अगर वो उसकी लाश के पास जाए तो हो सकता है कि उन्हें उसका फोन मिल जाए। एलेक्स ब्रायन के लिए बहुत रोता है क्योंकि उसे ब्रायन की याद आ रही होती है। इस पर स्टेफनी उसे दिलासा देती है और उससे कहती है कि हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। अब ये दोनों ब्रायन की लाश को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब इन्हें चलते हुए रात हो जाती है लेकिन उन्हें ब्रायन की लाश कहीं नहीं मिलती। तभी वो वहाँ पर पुलिस की गाड़ी की लाइट देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पुलिस इन्हें ढूंढने यहाँ पर आई है। वो दोनों पुलिस वालों को आवाज लगाते हैं लेकिन उनकी आवाज वहाँ पर कोई नहीं सुन पाता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो किलर वैन लेकर वहाँ पर आ जाता है और उनका पीछे करने लगता है। वो अपनी तलवार से पीछे से स्टेफनी पर अटैक करता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ वैन में ले जाता है। ये देखकर एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और ज्यादा थकने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर जब वो किलर स्टेफनी को लेकर जा रहा होता है तो स्टेफनी उससे पूछती है कि उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा। इस पर वो किलर उसे बताता है कि वो काफी ब्रेव और स्ट्रांग है, इसीलिए उसने उसे किसी और काम के लिए चुना है। स्टेफनी उससे कहती है कि तुम्हें हमें जान से मार देना चाहिए, लेकिन वो किलर उससे कहता है कि वो उसे अपने लीडर्स के पास लेकर जाएगा और वही लोग डिसाइड करेंगे कि उसका क्या करना है। इसके बाद वो किलर उसे एक गैराज में लेकर जाता है, फिर वो उसे गाड़ी में ही छोड़कर अपने लीडर से मिलने चला जाता है। ये देखकर स्टेफनी अपने आप को आजाद कर लेती है और गाड़ी से बाहर निकल आती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है। वो उसके गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वो उसे उठाकर वापस से उस वैन में बंद कर देता है। इधर अगली सुबह एलेक्स की जब आंखें खुलती हैं, तब वो अपने सामने ढेर सारा खून फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो स्टेफनी को बचाने के लिए उस गाड़ी के टायर के निशान को फॉलो करता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर वो किलर स्टेफनी को अपने सोसाइटी से मिलवाता है। वो किलर अपने लीडर से बताता है कि ये लड़की काफी नीडर और स्ट्रांग है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए, ताकि उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ सके और वो लोग यहाँ अच्छे से रहने लगे। वो लीडर उसकी बात से सहमत हो जाते हैं लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम है कि जो यहाँ पर आते हैं उनकी बलि चढ़ाना, न कि उन्हें हमारे सामने पेश करना और कहना कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। पर उसकी ये सोच काफी अच्छी है क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ानी ही है। ये सब सुनकर स्टेफनी काफी हैरान हो जाती है और वो उनसे कहती है कि वो यहाँ पर बच्चे पैदा करने नहीं आई है,
बल्कि इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। तभी एक लीडर कहता है कि हमें इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर ये हमें धोखा दे दे। दरअसल ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी सिटी बनाना चाहते थे, और इसीलिए ही वो स्टेफनी को इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वो उससे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। इसके बाद उनकी रानी स्टेफनी को तैयार करने लगती है ताकि वो लीडर के साथ कुछ कर सके। ये देखकर स्टेफनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर इन मर्दों के बीच क्या कर रही हो, तो इस पर वो कहती है कि वो उनकी रानी है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिर स्टेफनी उससे कहती है कि अब तुम्हारी वैल्यू गिरने वाली है, क्योंकि वो अब उनकी रानी बनेगी, जिससे वो लोग अब उसे पूछेंगे तक नहीं। ये सुनकर उनकी रानी हैरान हो जाती है और कहती है कि इससे अच्छा तो वो उसे मार डालेगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाता है जो उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो स्टेफनी को टच करने लगता है। ये देखकर स्टेफनी उसे दूर हटने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर स्टेफनी अपना दिमाग लगाती है और उससे कहती है कि वो उसे प्लीजर देना चाहती है। ये सुनकर वो आदमी और खुश हो जाता है, पर तभी स्टेफनी उसका काट लेती है जिससे उसका काफी ब्लड निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेफनी वहां से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उनकी रानी आकर उसके सर पर अटैक कर देती है जिससे वो किलर बेहोश हो जाता है। वो स्टेफनी से कहती है कि तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ। अब भागते हुए स्टेफनी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कोई उठाकर उसे गाड़ी में ले जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो अपने सामने एलेक्स को देखती है जो उसे बचाने के लिए वहां तक आया था। इसके बाद स्टेफनी एलेक्स को सारी बातें बताती है और कहती है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करना चाहती हैं। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सही सलामत यहाँ से निकलेंगे। वो उससे कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी वैन ढूंढनी होगी जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर स्टेफनी भी उसकी बात मान जाती है। लेकिन जब वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तो तभी उनके सामने वो किलर आ जाता है। तभी स्टेफनी अपने एक्स को हेलुसिनेट करती है और उसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उस किलर से फाइट करने के लिए एक रॉड उठा लेती है और उससे अपना सामना करने के लिए कहती है। फिर जब वो उससे लड़ती है तब वो किलर उसकी पीठ पर तलवार मार देता है, जिससे स्टेफनी का ढेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स एक रॉड उठाकर उस किलर से लड़ने लगता है। वो चालाकी से उसके पैर पर अटैक करता है जिससे वो किलर जख्मी हो जाता है, और जब वो झुकता है तब वो उसके सर पर अटैक कर देता है जिससे अब वो किलर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसकी तलवार उठाकर उसके पेट में घुसा देता है जिससे उस किलर की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद एलेक्स अपने दोस्त को याद करता है और सोचता है कि काश वो उसके पास होता। इसके बाद वो वहां से निकलने के लिए अपनी वैन में बैठकर जाने लगता है। तभी वो ब्रायन को अपने साथ में हेलुसिनेट करता है जो उससे बातें कर रहा था। उसे याद करके वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वो कल्ट मेंबर उसकी गाड़ी से पीछे से बाहर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है, यानी कि वो पहले से ही उस गाड़ी में बैठा हुआ था। वो उसे जान से मार डालता है और उसकी लाश को उस रेगिस्तान में फेंक कर उसकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।